गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल के शर्मा और आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 8th है। और पिछले दो लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में उसी से संबंधित टॉपिक को देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इन ए रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज देयर मैंडेटरी और ऑप्शनल एग्जिस्टेंस। तो एक रिलेशनशिप में जब दो एंटिटी पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों एंटिटी कंपल्सरली जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको मैंडेटरी एग्जिस्टेंस बोलते हैं। और एक रिलेशनशिप में दो एंटिटीज जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो दो में से अगर कोई एक एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है पार्टिसिपेट करना, तो इसको ऑप्शनल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। तो मैंडेटरी एग्जिस्टेंस में क्या होता है, इन द मैंडेटरी रिलेशनशिप एवरी इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। तो मैंडेटरी एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में जब दो एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों एंटिटीज कंपल्सरली पार्टिसिपेट कर रहे होने चाहिए, तो इसको मैंडेटरी एग्जिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी कोर्स मस्ट बी टॉट बाय एटलीस्ट वन टीचर। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप में दो एंटिटी है, एक का नाम है कोर्स एंटिटी और दूसरे का नाम है टीचर एंटिटी। लेक्चरर जो है वो टीचर में ही आएगा, तो टीचर एंटिटी है। तो यहाँ पर कोर्स एंटिटी जो है बिना टीचर के पढ़ाया नहीं जा सकता है और टीचर बिना कोर्स के पढ़ा नहीं सकता है। तो एक रिलेशनशिप में कोर्स और टीचर दोनों ही कंपल्सरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको मैंडेटरी एग्जिस्टेंस बोलते हैं। अब समझते हैं कि ऑप्शनल एग्जिस्टेंस क्या है। तो इन एन ऑप्शनल रिलेशनशिप एन इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी माइट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप विथ अनदर एंटिटी बट इज नॉट कंपल्सरी। तो एक रिलेशनशिप में जब दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो दोनों एंटिटीज में से कोई एक एंटिटी के लिए ऑप्शनल होता है कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट ना करे, तो उसको ऑप्शनल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एन एम्प्लॉई मे और मे नॉट बी असाइन टू ए डिपार्टमेंट। तो एक एम्प्लॉई को डिपार्टमेंट में असाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक एम्प्लॉई जो है बिना डिपार्टमेंट के भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप में एम्प्लॉई एंटिटी की एग्जिस्टेंस तो बन रही है बट डिपार्टमेंट एंटिटी की एग्जिस्टेंस नहीं बन रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट नाम की एंटिटी रिलेशनशिप में अगर पार्टिसिपेट ना भी करे तो भी चलेगा, तो इसको ऑप्शनल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंडेटरी और जो है ऑप्शनल एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। तो एग्जांपल्स फॉर बोथ मैंडेटरी एंड ऑप्शनल एग्जिस्टेंस। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि मैंडेटरी फॉर बोथ एंटिटीज। तो मैंडेटरी फॉर बोथ एंटिटीज का मतलब है यहाँ रिलेशनशिप में दोनों एंटिटीज जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों एंटिटीज जो है कंपल्सरली पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे, ए मेंबर ऑफ स्टाफ मस्ट बी असाइन टू ए गिवन डिपार्टमेंट एंड एनी डिपार्टमेंट मस्ट हैव स्टाफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टाफ के मेंबर को एक डिपार्टमेंट में जरूर लगाना चाहिए, तो यहाँ पर स्टाफ जो एंटिटी है वो मैंडेटरी है। और एक डिपार्टमेंट में स्टाफ जरूर होने चाहिए, तो यहाँ पर दूसरी जो एंटिटी है डिपार्टमेंट वो भी मैंडेटरी है। तो स्टाफ एंटिटी वो भी मैंडेटरी है क्योंकि उसको एक डिपार्टमेंट में असाइन किया ही जाना है, और डिपार्टमेंट एंटिटी जो है उसके लिए भी ये कंपल्सरी है कि उसके पास स्टाफ होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टाफ और डिपार्टमेंट
एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों की एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है। तो देयर कैन बी नो अनअसाइंड स्टाफ एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एन एम्प्टी डिपार्टमेंट। तो कह रहा है कि स्टाफ अनअसाइंड नहीं होना चाहिए, स्टाफ एक डिपार्टमेंट में असाइंड होना ही चाहिए, मैंडेटरी है स्टाफ एंटिटी। और दूसरा जो है, पॉसिबल नहीं है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन एम्प्टी डिपार्टमेंट, और ये पॉसिबल नहीं है कि डिपार्टमेंट में स्टाफ होना ही नहीं चाहिए, मतलब एम्प्टी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए भी जो है मैंडेटरी एग्जिस्टेंस है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि मैंडेटरी फॉर एन वन एंटिटी, ऑप्शनल फॉर दी अदर। तो यहाँ पर एक एंटिटी के लिए तो मैंडेटरी है बट दूसरे एंटिटी के लिए ऑप्शनल है। तो कैसे, एनी मेंबर ऑफ स्टाफ मस्ट बी अटैच टू ए डिपार्टमेंट बट इट इज पॉसिबल फॉर ए डिपार्टमेंट टू हैव नो स्टाफ एलोकेटेड। तो यहाँ पर एक एंटिटी के लिए तो मैंडेटरी है और दूसरे एंटिटी के लिए ऑप्शनल है। कैसे, तो स्टाफ के मेंबर को डिपार्टमेंट के साथ जरूर जोड़ा जाना चाहिए, तो स्टाफ एंटिटी जो है यहाँ पर मैंडेटरी हो गया है। और एक डिपार्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने पास स्टाफ को रखे, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एंटिटी जो है उसके लिए ऑप्शनल है कि वो चाहे तो स्टाफ को नहीं रख सकता है। आगे चलते हैं, ऑप्शनल फॉर वन एंटिटी, मैंडेटरी फॉर अदर। यहाँ पर क्या है, एक एंटिटी के लिए तो ऑप्शनल होगा और दूसरे एंटिटी के लिए मैंडेटरी होगा। कैसे, तो ए मेंबर ऑफ स्टाफ डज नॉट हैव टू बी प्लेस्ड इन ए डिपार्टमेंट। कह रहा है स्टाफ के मेंबर को जरूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में प्लेस ही किया जाना चाहिए, तो स्टाफ एंटिटी जो है यहाँ पर वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि उसको डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्टाफ ऑप्शनल है बट ऑल डिपार्टमेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ स्टाफ, लेकिन हर डिपार्टमेंट में कम से कम एक स्टाफ का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एंटिटी जो है वो मैंडेटरी है कि उसके पास कम से कम स्टाफ का एक मेंबर होना चाहिए। अब फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं कि ऑप्शनल फॉर बोथ एंटिटीज, दोनों एंटिटीज के लिए ऑप्शनल होना चाहिए। तो ए मेंबर ऑफ स्टाफ माइट बी असाइन टू वर्क इन ए डिपार्टमेंट बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो कह रहा है स्टाफ के मेंबर को कंपलसरी हम डिपार्टमेंट में काम नहीं करा सकते हैं, डिपार्टमेंट में लगा भी सकते हैं काम करने के लिए लेकिन कंपलसरी नहीं है। और ए डिपार्टमेंट माइट और माइट नॉट हैव स्टाफ एलोकेटेड टू वर्क विद इन इट, और एक डिपार्टमेंट के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि उसके पास स्टाफ इसमें काम करने वाले होने ही चाहिए। तो यहाँ पर स्टाफ एंटिटी जो है उसको डिपार्टमेंट में असाइन करना जरूरी नहीं है, इसलिए स्टाफ एंटिटी यहाँ पर ऑप्शनल है और डिपार्टमेंट एंटिटी जो है स्टाफ को रखना उसके लिए भी कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो भी ऑप्शनल एंटिटी है। तो इस तरह से ये दोनों जो है ऑप्शनल है। अब समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। तो पिछले कई लेक्चर में जो है मैं एट्रीब्यूट के बारे में बताता आ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। तो ये क्या है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। तो एट्रीब्यूट जो है एक एंटिटी की प्रॉपर्टी कही जा सकती है। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी एक टेबल का नेम है, जैसे एम्प्लॉय टेबल, स्टूडेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, ये एंटिटी है। और उस टेबल के अंदर फील्ड्स का नाम और कॉलम का नाम जो है उसको हम एट्रीब्यूट नेम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक टेबल के अंदर मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है या एम्प्लॉय एंटिटी है, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट नेम है, ईएमपी नेम एक एट्रीब्यूट नेम है, सैलरी एक एट्रीब्यूट नेम है। तो इच एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विथ ए सेट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड ए डोमेन। तो एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ईएमपी नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और सैलरी सैलरी क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है।
एम्प्लॉई आईडी को हम उस टेबल का कॉलम भी बोल सकते हैं, उसके बाद ईएमपी नेम वाले को भी हम एक दूसरा कॉलम बोल सकते हैं और सैलरी वाले को भी हम एक तीसरा कॉलम बोल सकते हैं। तो एम्प्लॉई आईडी वाले कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज है, तो एम्प्लॉई आईडी को हम एक एट्रीब्यूट कह रहे हैं, तो उस एट्रीब्यूट में उस एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज है, तो उसको सेट ऑफ वैल्यूज बोलते हैं। तो इच एट्रीब्यूट मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है वो एसोसिएटेड है सेट ऑफ वैल्यूज के साथ, और जो है ईएमपी नेम वाला जो कॉलम है, ईएमपी नेम वाली जो एट्रीब्यूट है वो भी एसोसिएटेड है सेट ऑफ वैल्यूज के साथ, उसमें भी बहुत सारी वैल्यूज है, तो उसको सेट ऑफ वैल्यूज बोलते हैं। और सैलरी वाले कॉलम में, सैलरी वाले एट्रीब्यूट में भी सेट ऑफ वैल्यूज है, उसमें भी बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी सैलरी है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इच एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम और ईएमपी सैलरी, ये तीनों ही जो है सेट ऑफ वैल्यूज के साथ एसोसिएट है, तो इच एट्रीब्यूट को, इच कॉलम को हम डोमेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल का नाम है और उसमें एट्रीब्यूट का नाम है स्टूडेंट आईडी, इसको हम कॉलम नेम भी बोल सकते हैं, इसको हम फील्ड नेम भी बोल सकते हैं। उसी स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नाम है इसको एट्रीब्यूट नेम बोल सकते हैं, एड्रेस को भी एट्रीब्यूट नेम बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा टेबल है हमारे पास एम्प्लॉई, इसमें एम्प्लॉई आईडी एक एट्रीब्यूट नेम है, एक कॉलम नेम है, एक फील्ड नेम है। एम्प्लॉई नेम भी क्या है, एक एट्रीब्यूट नेम है, कॉलम नेम है, फील्ड नेम है, और सैलरी क्या है, ये भी एट्रीब्यूट नेम है, जो है कॉलम नेम है, फील्ड नेम है। तो एम्प्लॉय आईडी में जितनी वैल्यूज होगी उसको सेट ऑफ वैल्यूज बोलेंगे, और पूरी एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को हम डोमेन बोलेंगे। और एम्प्लॉय नेम में भी बहुत सारे एम्प्लॉय के नेम है, तो एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में बहुत सारे एम्प्लॉय के नाम है, तो एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को हम पूरा एक डोमेन बोलेंगे। और उसी तरह से सैलरी वाले कॉलम में सैलरी है, तो पूरे सैलरी के कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज है इसके अंदर, तो हम इसको पूरा एक डोमेन बोल सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट क्या है। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल एट्रीब्यूट। तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक एट्रीब्यूट, इसको एटॉमिक एट्रीब्यूट बोलते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर कॉम्पोनेंट, और इसको स्मॉलर कॉम्पोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं। तो सिंपल एट्रीब्यूट को स्मॉलर कॉम्पोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू डिफाइन की गई है वही वैल्यू होती है, और इसके एट्रीब्यूट को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये नीचे वाले दो एट्रीब्यूट को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सिंपल एट्रीब्यूट क्या है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एम्प्लॉई आईडी क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है, सैलरी क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है, और ईएमपी जॉब भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है। अब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, इट कैन फॉर्म ए हायरार्की। तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को हम क्या करते हैं, स्मॉलर कॉम्पोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ने से क्या है, पूरी एक हायरार्की बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल ईएमपी नेम है, तो ईएमपी नेम को हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे, क्योंकि ईएमपी नेम को हम तीन पार्ट में ब्रोकन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। एड्रेस को अगेन हम तीन पार्ट में ब्रोकन कर सकते हैं, सिटी नेम में, जिप कोड में और स्टेट नेम में। और स्ट्रीट एड्रेस को भी अगेन हम दो पार्ट में ब्रोकन कर सकते हैं, स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम। तो ऐसे एट्रीब्यूट को कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं, और सिंपल एट्रीब्यूट में हम जो है एट्रीब्यूट को ब्रोकन नहीं कर सकते, जैसे एम्प्लॉय आईडी को ब्रोकन नहीं कर सकते, सैलरी को ब्रोकन नहीं कर सकते, ईएमपी जॉब को हम ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। अब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, तो इट होल्ड सिंगल वैल्यू लाइक ईएमपी आईडी इक्वल टू 106। तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट वैसे एट्रीब्यूट होते हैं जो सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, जैसे ईएमपी आईडी 106 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो इसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट समझते हैं आप कि ये क्या है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है इट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, सो द फोन नंबर एट्रीब्यूट इज ए मल्टी वैल्यूड। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो मल्टीपल वैल्यू होल्ड करता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय नाम के टेबल में अगर फोन नंबर का एट्रीब्यूट है तो वो फोन नंबर के एट्रीब्यूट में एक एम्प्लॉय के लिए एक से अधिक फोन नंबर हो सकते हैं, दो फोन नंबर भी हो सकते हैं, तीन फोन नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर फोन नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब समझते हैं कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है। तो द वैल्यू दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब कि वो एट्रीब्यूट जिसको कैलकुलेट करने से एक या दो एट्रीब्यूट के नाम और उसमें निकल जाते हैं तो उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस के ईयर्स को काउंट करना है तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हम एग्जांपल अच्छे से लेकर के समझते हैं। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉई के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट की जो है एट्रीब्यूट होनी चाहिए और प्रोजेक्ट एंड डेट की भी एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और प्रोजेक्ट एंड डेट को कैलकुलेट करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एट्रीब्यूट जो है उसी को डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। आप समझते हैं कि आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट क्या है। तो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जिससे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। मान लीजिए ट्रेन है तो ट्रेन को आइडेंटिफाई ट्रेन आईडी से कर सकते हैं, ट्रेन को आइडेंटिफाई ट्रेन नंबर से कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं उससे भी ट्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रेन किस डेट को जाने वाली है तो ये क्या है, ये भी एक आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट है। यहाँ पर ट्रेन आईडी, ट्रेन नंबर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन डेट, इन चारों को आपस में मिला करके हम किसी ट्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये जो वीडियो लेक्चर है मेरा यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।